पुरानी दीवारें संभाल रखी, ओल्ड वर्ल्ड वॉल, उनका जीवन सोना है, और जिन्होंने अपनी संपत्ति बेच खाई है उनका जीवन रोना है। तो ओल्ड वर्ल्ड वॉल मतलब जो पुरानी दीवार है सोने के समान है। तो ये दिखाया गया ये पीढ़िया है पांच पीढ़िया, और ये ओल्ड वर्ल्ड वॉल दिखाया है, इसका मीनिंग है। अच्छा, बहुत अच्छा है। इन्होंने जो बोला है, आई थिंक हम लोग भी, मैं भी प्रभावित हूँ, और रंजीत जी क्योंकि बॉम्बे से है, मैं मुंबई से बुला सकता हूँ, और ये फर्स्ट में मेरा विद्यालय में, और ये तो मेरी पेंटिंग मैंने इस बनाया है। और अभी अभी आप लोग जैसे इधर तो दो ही आपका ये है, और क्या क्या बनाते हैं आप? जानवर पिक्चर जो अक्षय कुमार की थी, उस समय एक दो सेट में मैंने काम किए हैं। अच्छा, उसके बाद फिल्म सिटी छोड़ के मैं कैनवास में आपने कोई शिक्षा तो नहीं लिया इसमें? खुद ही करते हैं, राइट राइट। इसने पूछा, मैंने कभी किसी से पूछा नहीं किसी कलर का, क्योंकि एक हैंड और फुट चार्जेस भी होते हैं, मेरा लोगों का मैंने कभी इंटरव्यू भी नहीं किया, तो आप राइट हैंड से कर रहे हैं। और आपको इसको बनाने में कितना समय लगा, कितना महीने का? पेंटिंग बनाने में मुझे 8 से 10 दिन जाते हैं, 8-10 दिन। हाँ, इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अभी ये जो पेंटिंग मैंने डे नाइट करके 6 दिन में रेडी किया, तो मैडम ने मुझे फोन किया था जो आपका सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे समय कम था, तो इस हफ्ते मैंने डे नाइट करके रेडी किया था। और आपको सिलेक्शन में मुझे लग रहा है कि मैडम जी देख रही है साइड से, क्योंकि आपने बोला मैडम ने आपका सिलेक्शन किया, तो अगर मैडम कोई अवार्ड घोषित करेगी तो शायद आपको मिलेगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सब दूसरे आर्टिस्ट जो है उनका भी, बट ये डिफरेंट है, ये काम डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। तो यहाँ तक पहुंचने में काफी समय लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लैंडस्केप पोर्ट्रेट वाटर कलर ऐसे करते थे, लेकिन करते करते जो एहसास हुआ भाई आर्ट की खोज करना है, तो कुछ डिफरेंस काम करना है, तब जाके मैंने ये वर्क तैयार किया। और क्या पोर्ट्रेट भी बनाते हैं? पोर्ट्रेट वाटर कलर, अभी जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा भी आप पोर्ट्रेट आर्ट बना देंगे, कितना समय लगेगा, कितनी देर मुझे सिटिंग देना? अभी तो वो मैंने बंद किया, उसका प्रैक्टिस काफी साल से, क्योंकि पहले हम लोग बनाते थे जहांगीर के पास पेंसिल और डायरेक्ट कस्टमर बिठाएंगे, तो 15 से 20 मिनट हम लोग बना लेंगे, भाई मेरा सब फोकस है में कर दिया, मेरा पूरा फोकस इस बात के ऊपर। आपने जो भारत के प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी जी, उससे शायद आपको कुछ प्रभाव, वो लोग सबको ही कर रहे हैं, मतलब कोई उनको पसंद करे कोई नहीं करे, लेकिन आर्टिस्ट मैं देख रहा हूँ कि वो उनको जैसे बुद्धा बनाते हैं ना, तो अभी गांधी जी भी बना रहे हैं लोग, बट गांधी जी को नेक्स्ट नरेंद्र मोदी जी का जो उनका फेस है, उनका जो बियर्ड है, उनकी जो शायद मेरे को इशारा करा है कि अरुण बोरा जी जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाली पेंटिंग में नरेंद्र मोदी जी का दर्शाया है, तो क्या आपने बनाया प्रधानमंत्री के ऊपर? ऐसे कुछ नहीं किया, अभी मैं टोटल 5-6 साल से सिर्फ ये सब वर्क कर रहा हूँ, पोर्ट्रेट वगैरह सब मैंने टोटली काम बंद किए, सिर्फ काम आपका ये वर्क जो है आप इसको सेल आउट करते? हाँ, सेल आउट काफी किए मैंने, बड़ा फेस्टिवल में 21-23 पेंटिंग सेल हो गई। अच्छा, बहुत बहुत बधाई है आपको। डॉक्टर अग्रवाल नाइक जो है वाशी की, उन्होंने मेरी 20 पेंटिंग एक साथ दे दी। अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल। तो आई थिंक और कुछ बोलना चाहेंगे आप आज के युवा वर्ग को, कोई संदेश आपका? नहीं, संदेश संदेश सर का नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली में आ रहे हैं, हर कोई अपनी खोज करता है, संदेश देखे क्या वो सुनेंगे बरबर, लेकिन उनका अपना अपना हर किसी का माइंड है बरबर, वो सुनेंगे बरबर, लेकिन उनकी जो थिंकिंग जितनी सोच वो वहां पर वहां करते रहेंगे। आप दिल्ली में पहली बार आ रहे हैं? हाँ, दिल्ली फर्स्ट टाइम में। तो एक हम लोग को कल पूरन सिंह जी थे, गोस्वामी जी जो प्रिंसिपल रहे वो भी एक आर्टिस्ट है, तो वो कल निकल गए थे जल्दी से। आपको भी कहीं जाना हो तो कहाँ जाएंगे, लाल किले या कहीं आप देखे? अच्छा, दिल्ली को देखे आप? अभी दर्शन नहीं, लेकिन 29 तारीख को भी 2 दिन शॉर्ट तक। अच्छा, उसके बाद करें, अभी कल मेरा एक शिष्य आएगा बनारस के धनराज पाल, वो बनारस के यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उनको भी आर्टिस्ट है। हाँ, उनको मैंने सिखाया है, वो 5 साल उनको मैंने शिक्षा दे के, वो बनारस यूनिवर्सिटी है, वो कॉलेज में सर्विस करते पेंटिंग जॉब में, तो कल आने वाले। तो इस पे हम लोग समाप्त करते हैं इंटरव्यू। संजय अग्रवाल, आईटीआई फेस गैलरी, थैंक यू।